सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को कैसे हम हटा सकते हैं और किसी भी फोटोज़ को पीएनजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पीएनजी फ़ोटो उसे बोलते हैं जिसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होता है, जो बिल्कुल ब्लैंक होता है। और हमें भी सीखेंगे कि किसी भी फ़ोटोज़ का हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमें पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए या फिर किसी भी फ़ोटो को पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है इरेजर। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ़ोन में इरेजर एप्लीकेशन इंस्टॉल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा। और यहाँ पे आप लोड ए फोटो, इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही हम यहाँ से अपने गैलरी में जाते हैं। हम यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम डाउनलोड में आके एक फ़ोटो उसको क्लिक करते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने फ़ोटो लिया उसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है। और हमें बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन मिला हुआ है, जिसे हम सर्कल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हम इसको ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा मीडियम इसको रखते हैं। और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सट्रैक्ट और ऑटो मैनुअल एंड रिपेयर एंड जूम। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑटो पे जाने का मतलब क्या है कि जब भी हम ऑटो पे जाते हैं, ऑटो पे क्लिक करके अगर हमारा बैकग्राउंड किसी भी एक कलर का है तो हम बड़े ही आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करके जो ऊपर गोल कर्सर आपको दिख रहा है प्लस का ऑप्शन, हम उसको नीचे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके जो बैकग्राउंड दिख रहा है हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि बैकग्राउंड गायब हो गया। और यहाँ से हम इधर करेंगे, बैकग्राउंड गायब हो गया, क्योंकि ये मैचिंग कलर है और पीछे का बैकग्राउंड मैच कर रहा है, इसलिए क्या है जो बैकग्राउंड्स हैं वो बड़े ही आसानी से हट जा रहे हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड नहीं हट पाए, हम यहाँ से नीचे का ऑप्शन मैनुअल पे क्लिक करके इसको जूम करके और यहाँ से इसका साइज बड़ा करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ, इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से फास्ट करते हैं, इसको देखिए जूम करके बड़े ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और यहाँ से थोड़ा बहुत जो भी छूट गया है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये रहा हमारा साइड से हम देख लेते हैं। आप इसको बड़े अच्छे से करिए, हालांकि मैं फर्स्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल गायब हो गया। और आप देखेंगे यहाँ से बैकग्राउंड डाटो को क्लिक कर आटो पे और यहाँ से एप्लीकेशन कर और यहाँ से रिपेयर पे क्लिक करके हम यहाँ से इसको यहाँ से हम इसको जो भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड रिमूव हुआ होगा हम उसको रिवर्स कर सकते हैं रिपेयर के थ्रू। यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो गया तो उसको हटा देते हैं और यहाँ पे हमारा जो फोटो है बिल्कुल इसका बैकग्राउंड हट चुका है। यहाँ से ऊपर डन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे जो फोटो का बैकग्राउंड है वो गायब हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे नंबरिंग दी गई है 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम 2 पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो गायब हो चुका है, साइड का हमारा जो है वो ब्लर हो चुका है। देखिए और भी हमें ब्लर करना है, हम क्या करेंगे यहाँ से तीसरे पे क्लिक करेंगे और भी हमारा ब्लर हो गया। देखिए 4 पे क्लिक करेंगे और ब्लर हो गया, 5 पे क्लिक करेंगे बिल्कुल क्लीन एकदम बिल्कुल साफ दिखेगा, हमारा बैकग्राउंड जो है वो चुका है। इसको सेव पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड हमारा गायब हो चुका है।
बिल्कुल बैकग्राउंड होता है गायब हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड गायब हो चुका है। और एक जो हमारा पिक्चर से ये PNG मतलब जैसे ये एक फोटो है इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट होता है। हम इसको आगे से क्लिक करके साइड से क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो पीछे का वाइट बैकग्राउंड था बिल्कुल गायब हो गया। और यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे साइड में हल्का हल्का वाइट दिख रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे एक बार में साइड में हल्का हल्का वाइट दिख रहा है जो इससे भी हम गायब कर सकते हैं। यहाँ पे 1 पे क्लिक किया नीचे, अगर हम 2 पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे जो वाइट साइड में दिख रहा था कुछ कम होगा। 3 पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे और भी कम होगा। 4 पे क्लिक करेंगे और भी कम होगा। 5 पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे तो वाइट ने साइड में वाइट था काफ़ी कम हो चुका है और कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐड आ गया, इसको हम कट करते हैं और यहाँ से हमने उस पिक्चर को सेव कर लिया। तो चलिए गैलरी में इसको देखते हैं। यहाँ से मैं इसको गैलरी में रखेंगे और यहाँ पे एक आप फोल्डर दिख रहा है देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी PNG में फोटो को कन्वर्ट हमारा दिख रहा है आप देख सकते हैं। और सेकेंड हमने जो फोटो का बैकग्राउंड हटाया था वो फोटो देखिए, इसका फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल भी हट चुका है। हम इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पिक्सआर्ट ओपन करते हैं, पिक्सआर्ट ओपन करते हैं, यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर फोटो को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, फोटो लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन दिखता है, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और आप यहाँ से देखेंगे इसको यहाँ पर फोटो कैसे ले लेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल इसका बैकग्राउंड बदल चुका है, हम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोटो हमारा जो इसका बैकग्राउंड है बिल्कुल हट चुका है और यह फ़ोटो जो है PNG में कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स बड़े ही कमाल का एप्लीकेशन, उसके थ्रू आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही टेक वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।